कोरोना वायरस के महासंकट के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर अब मोदी सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा है कि कई जगह डॉक्टर्स के खिलाफ हमले की जानकारी सामने आ रही है, ऐसे में सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी और 30 दिनों के अंदर इसकी जांच पूरी होगी। वहीं 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं गंभीर मामलों में 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा।